नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उत्तर प्रदेश के सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शायद यूपी की सियासत सुर्खियों में बनी हुई है। कारण, विपक्ष दावा कर रहा है सरकार में टूट हो सकती है। हालांकि बीजेपी इन सभी दावों को खारिज कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक के बाद एक अलग अलग मंडल से आने वाले मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के साथ एक्शन मोड वाली मीटिंग ले रहे हैं, तब एक सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है। शक्ति प्रदर्शन, रूठों को मनाने की कोशिश, डैमेज कंट्रोल, या सब कुछ कंट्रोल में है। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर लगातार सीएम योगी की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद मंडल के सांसद और विधायकों से मिले, मेरठ मंडल के सांसदों विधायकों से बातचीत की, बरेली मंडल के सांसदों और विधायकों से के साथ बैठक की। इन बैठकों में दावा है कि मुख्यमंत्री ये जानना चाहते हैं कि वोट आखिर क्यों नहीं मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच होना चाहिए। वहीं विधायक सांसद अपने क्षेत्र की अफसरशाही के बेलगाम होने की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की बैठक होने वाली है, इस बात की गवाह यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि जिस तरह से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी के बीच दरारों की खबरें आ रही हैं, उससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करें। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उन परिस्थितियों में पार्टी की स्थिति, हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मीडिया में, सार्वजनिक जीवन में रहती हैं। तो आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं, और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे, जो विषय हैं उन विषयों का समाधान करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये लोग पूरी तरीके से दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब पासवर्ड दिल्ली की जो उन्होंने बात कही, बिल्कुल सही है। पूरी ये लड़ाई दिल्ली बनाम यूपी की है और ये पूरी दिल्ली के इशारे पर प्रदेश के अंदर ये काम हो रहा है। बलि लगाने को लेकर कोर्ट ने अभी आंतरिक रोक जारी रखा है। वहीं प्रदेश सरकार ने जो अपनी दलील दी है, उसके तरफ से कहा जा रहा है किसी की भावना न ठेस हो और ऐसे बातों को कहने। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट को ये जो नाम प्लेट वाली बात है, इसको पूरी तरीके से निरस्त करना चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्या जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ, सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। रणवीर को लेकर पीएम ने भी आज कहा है कि वह योगी है, सेना जवान होगी। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया वो अच्छा कहा। तो चलिए, आज इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या वाकई में बीजेपी के अंदर कलह की स्थिति बनी हुई है? सब कुछ बीजेपी के अंदर ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। सबसे पहले सभी का परिचय करवा दूं। हमारे साथ जोड़ रहे हैं आलोक वत्स जी, नेता हैं बीजेपी के। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका।
अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं SBSP के। अरुण जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ वैभव कुमार त्रिपाठी जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। वैभव जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से चंचल कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। चंचल जी बहुत स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, निरंजन जी बहुत स्वागत आपका। विवेक तिवारी जी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी हैं लखनऊ से। विवेक जी बहुत स्वागत आपका भी। और शुरुआत विवेक जी आप ही से करेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या वाकई में बीजेपी के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल? बेशक इसमें भारतीय जनता पार्टी तो अजीब सा, और जो केंद्रीय नेता रही है वहां पर अगर मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य वो अपना रुख वही कायम किए हुए, इसका मतलब यह है कि वहां से इसको सुलझाने की कोई कोशिश फिलहाल अब तक नहीं की गई है, लिहाजा ये सारी चीजें चल रही है। या दो तीन चीजों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। एक तो ये है कि अगर आप केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इन दो लोगों के ट्विटर अकाउंट या एक्स को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त क्या चल रहा है। रोज वो किसी ना किसी से मिलते हैं, उनकी फोटो पोस्ट की जाती है, जो भी वो कुछ कहते हैं उस पर योगी आदित्यनाथ को या मुख्यमंत्री वापस को टैग नहीं किया जा सकता, एक तरह से उसका बायपास सा कर रखा है। वो तो प्रधानमंत्री को टैग करते हैं, जेपी नड्डा को टैग करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को टैग नहीं करते, मुख्यमंत्री के किसी ट्वीट को रिट्वीट नहीं किया जा रहा है। ये बीते एक महीने से ये सब कुछ चल रहा है। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ये दोनों ये काम कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य आपसे भारतीय जनता पार्टी के 50 से ज्यादा विधायकों से बीते 10-15 दिनों में मिल चुके हैं, कई सांसदों से उनकी मुलाकात हो चुकी है, कई MLC से उनकी मुलाकात हो चुकी है, पदाधिकारियों से वो मिलते रहे, और उसके फोटो वो अपने हैंडल पर पोस्ट करते हैं। वो आप देखेंगे बीते एक आध महीने की तो सारी चीजें निकल आएंगी। अब पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री ये काम कर रहे हैं कि मंडल वाइज बैठक कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो पदाधिकारियों के साथ अपनी फोटो को पोस्ट कर रहे हैं। यही काम ब्रजेश पाठक भी कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों आपस में नहीं मिल रहे हैं। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में तो कम्युनिकेशन है, लेकिन इन दोनों का कम्युनिकेशन मुख्यमंत्री से नहीं है। जो प्रयागराज मंडल की बैठक थी उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए, लखनऊ मंडल की आज बैठक थी उसमें ब्रजेश पाठक नहीं गए, जबकि उनको जाना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो द्वंद्व चल रहा है ये काफी ऊपर पहुंच गया है। अब ये दोनों कम से कम केशव प्रसाद मौर्य के साथ स्थिति इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि वो शायद इस मंत्रिमंडल में अब काम कर पाए या वो काम करना चाहेंगे। और इसके पीछे की जो कहानी है, बहुत सारे विधायकों को जो चिट्ठियां आई, जो उनके बयान आए सरकारी अफसरों की लाल फीताशाही को लेकर के, या वो सम्मान नहीं करते हैं, सुनते नहीं है, ये सारी चीजें भी सारे एक साथ चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस सारे जो परिस्थितियां उसके बीच में उसके केंद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अब इन सब चीजों को लेकर ये चर्चा चल रही है, क्या उनको हटाया जा रहा है जैसा अरविंद केजरीवाल इलेक्शन के पहले कह रहे थे। तो बहुत कुछ बीजेपी में चल रहा है। जो मेरी जानकारी वो ये है कि अभी फिलहाल बीजेपी चाहती है कि इसका एक बजट पास हो जाए और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती होनी है, 2-4 दिनों में वो हो जाएगी, फिर उस बाद उत्तर प्रदेश को ध्यान दिया जाएगा। विवेक जी आपको क्या कर रहे हैं ये देखना। विवेक जी आपको स्टोरी पता होगी कि राजस्थान में ठीक लगभग 3-4 साल पहले कांग्रेस में बिल्कुल इसी तरीके की स्थिति थी। पहले शांति, फिर धीरे धीरे कांग्रेस वाली कलह खुल करके सामने आई। अब जिस तरीके से कुछ कुछ चीजें उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं, क्या उसी तरीके की स्टोरी यहां पर भी, उसी तरीके की पटकथा यहां पर भी लिखी जा रही है? अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है और अब इस समय गेंद हाईकमान के पाले में है, सब कुछ अब कंट्रोल करना हाईकमान को है। और जिस तरीके से परिणाम लोकसभा चुनाव के आए हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ उथल पुथल हो ये कभी आलाकमान नहीं चाहेगा। स्थिति है वहां पर दो चीज अलग अलग स्थितियां थी, वहां केंद्र में और इसकी सरकार में थी। अगर इसकी तुलना करनी है तो हम 1998-99 में जाएंगे जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ऐसा वैसा कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि उसी तरह की परिस्थितियां डेवलप हो रही है। हाँ ये बात सही है कि केंद्रीय नेतृत्व के पाले में ये गेंद है, वो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं ये उनको देखना है। उत्तर प्रदेश में मिलजुल कर ये तीनों चारों लोग बैठकर आपस में कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे उसकी गुंजाइश आप नहीं देखते। चलिए ठीक है विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देकर के आपने विस्तार से उत्तर प्रदेश की स्थिति को बयां कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब चर्चा को शुरू करते हैं। आलोक जी आखिर ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए विजय जी
चल कुछ नहीं रहा है, इसको लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा बयान दे दिया है केशव प्रसाद मौर्य जी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ? अपोजिशन को इस बात की देरी है क्या कुछ टूटन हो तो अपना कुछ पौ बारा हो, लेकिन अंगूर खट्टे ही साबित होंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी आरएसएस से तपे तपाए भारतीय जनता पार्टी के एक तपोनिष्ठ कार्यकर्ता है, वो तो कभी कुछ ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे उन्हें शर्मसार होना। नहीं, लेकिन अभी आपने विवेक जी को सुना होगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट लगातार चल रहे हैं, अलग अलग जो बैठकें सीएम कर रहे हैं वो उस बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम। देखिए, मुख्यमंत्री अगर अपने नेताओं से मिल रहे हैं, कोई अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी है या अफसरशाही उन पर हावी है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या हर्ज? नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम जाते नहीं है, मंडल की बैठक हो रही है उसमें भी नहीं जा रहे हैं। अब ये तो उप मुख्यमंत्री तय करें कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी हरकत भी नहीं कर रहा है जिससे कोई गलत संदेश जा रहा हो, कहीं आराम से बैठे हुए चुपचाप बैठे हुए हैं तो ठीक है, कुछ दिन के बाद फिर सम्मिलित हो जाए। अभी जो उपचुनाव आने वाले हैं उनमें इन लोगों की खासी भूमिका होगी और उस समय तक आला कमान सब चीज को बिल्कुल दुरुस्त करके ढोक देगा सारी ताकत को विधानसभा चुनाव जीतने। नहीं तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि मोहरा बन गए हैं केशव मौर्य। देखिए, अखिलेश जी तो बहुत सी चीजें कह रहे हैं जो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था वो भी वो कर रहे हैं, वो तो ओपन मानसून ऑफर दे रहे हैं, 100 लाख और मंत्री पा जाओ। ऐसा कभी सुना है आपने कि इस तरीके से ओपनली कोई किसी को ललचाए? और क्या जवाब मिला उनको मानसून ऑफर का, ये भी आपने सुना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना विपक्ष के लिए ये कवायद अंगूर खट्टे साबित होंगे। ठीक है, उनको इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, मतलब सपा ऐसे ही खुश हो रही है। चंचल जी, आप लोग ऐसे ही खुश हो रहे हैं और मौर्य जी को आप लोग बता रहे हैं कि वो दिल्ली वाईफाई के पासवर्ड हैं, मोहरा बन गए हैं, और उसके बाद केशव मौर्य का पोस्ट भी आया है कि अखिलेश जी तो खुद कांग्रेस के मोहरा बनकर रह गए। देखिए, बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता है, ये सच्चाई है। और हमारे कई सारे अभी आप इसके पहले वरिष्ठ साथी ने स्पष्ट बताया कि जिस तरीके से उनके ट्विटर हैंडल से लेकर के उनके पूरे पिछले कुछ समय के अगर आपने देख लें, अगर उनके सारे क्रियाकलाप देख लें, आप सोचिए अगर प्रयागराज में मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री की मीटिंग हो, एक से एक नेता, सारे के सारे नेता इकट्ठा हो रहे हो, डिप्टी सीएम खुद उनके गृह जनपद में ना रहे, तो आप ये इसमें भी कुछ आपको सोचने की जरूरत है कि अभी भी आप सोच रहे हो कि नहीं संबंध बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी है। तो मेरा ख्याल है इसमें तो ज्यादा नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन एक बात और है, आज पूरे उत्तर प्रदेश की हालत बस से बदतर हालात में है। आज ये दोनों इंजन आपस में टकराने के चक्कर में, और जो ये दिल्ली के मोहरा वाले हमारे साथी हैं कि केवल और केवल ये लोग अपनी कुर्सी, एक लोग कुर्सी पाने के चक्कर में, एक अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में, एक व्यक्ति स्टूल से प्रमोट होकर कुर्सी पे आना चाहता है और एक व्यक्ति सोचता है कुर्सी हमारी बची रहे और बनी रहे। इस लड़ाई के चक्कर में उत्तर प्रदेश की जनता, मैं आपको बताता हूं, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर आप देख लो, आदरणीय अमित शाह जी कहा करते थे कि हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाएं गहने लाद लाद रात रात में एक दो दो बजे तक घूमती हैं, कोई भी चोरी चकारी नहीं होती है। आज अभी वाराणसी का पेपर उठा के आप देखिए, मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं, वाराणसी में सुबह रोहनिया में महिला से चेन स्नैचिंग, मड़ुआडी में महिला का गहना लूट लिया, कैंट में महिला के साथ जो है उसका स्नैचिंग किया, चोलापुर में 2 लाख की गहने की ठगी कर लिया, और ये इनके 4 घटनाएं केवल प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में। और आप और पूरे प्रदेश की तो हालत की बात ही छोड़ दो, गोरखपुर से लेकर के एक एक जिले में घटनाएं घट रही हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं और पुलिस जो है केवल वसूली और जो है रंगदारी लेने का काम कर रही है। और पुलिस का आज के समय में खुद वो सरेआम डकैती वसूली कर रही, कई सारे मामले ऐसे आ रहे हैं। और दूसरी बात,
जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का एक विधायक इस बात का आरोप लगाता है कि उत्तर प्रदेश में मेरी हत्या हो सकती है, मेरी जान जो मेरी मेरे लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली गई है। सोचिए जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें करते थे, लफाजी करते थे, आज उनके विधायक सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। ये इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत। दूसरी बात भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के ऊपर मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी कसीदे, और यहाँ से लखनऊ वाला इंजन और दूसरा दिल्ली वाला इंजन दोनों आपस में टकराते रहते हैं कि वही कहावत है ना कि बड़े मियां छोटे मियां। अखिलेश जी ने एक और पोस्ट कर दिया, एक और पोस्ट किया है कि लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है। जी अभी एक पोस्ट आया है उस बात पे, मैं देख रहा हूँ। सुनिए एक चीज और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपने एक बात और देखा होगा कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक पीसीआर की टीम जरा वॉल्यूम अप कीजिएगा चंचल जी का। चंचल जी बोलिए, मेरी आवाज जारी प्रॉपर? हाँ आ रही, आ रही जी। आप देखिए अभिषेक भाई, आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बीजेपी बड़े नेता तीन तीन चार चार बार के मंत्री रहे। उनका आरोप आता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मेरे राजनीतिक करियर के 42 साल के राजनीतिक करियर की अभी तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। आपने देखा होगा विधायक इनके नेता आम जनता और किसी व्यक्ति का सरकार के ऊपर एक बाल नहीं रहे। अब ये चीज दोनों इंजन आपस में टकराने की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार महंगाई और जो है इससे सारी समस्याओं से त्राहिमाम है। और मैं बता दूं किसान परेशान है, किसानों के यहाँ अभी हमारे आजमगढ़ में नहर पे पानी। तो अगर जनता परेशान है चंचल जी, तो आप लोग सड़क पे उतरिए ना, आप लोग तो मानसून ऑफर दे रहे हैं तो सड़क पे उतरिए। देखिए समाजवादी जो जन से लेके सड़क सफाई करने का भी काम करते हैं और आप मौका देखिए आने वाले आप देखेंगे इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र चेहरा जनता के सामने बेनकाब कर समाजवादी पार्टी और हमारा इंडिया आप देखेंगे आने वाले समय में इनका पूरी तरीके से जो आगामी 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है वो, और दूसरा जो 2027 में चुनाव होंगे आगामी जो भी चुनाव होंगे बीजेपी का सूपड़ा साफ करने के लिए जनता ने मन बना लिया है। ठीक है अरुण राजभर जी, ये चल क्या रहा है गठबंधन में? देखिए कुछ चल नहीं रहा है, सब अच्छा चल रहा है। देखने वालों की नजरिए सबके अलग अलग है, समझने वालों की क्षमता अलग अलग है, लेकिन देश और प्रदेश में आज से मैं नहीं सुन रहा हूँ, 6 साल से भाई सुनता आ रहा हूँ कि योगी जी को हटाया जाएगा, फलाने को बैठाया जाएगा तो फलाने को रखा जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये जानते हैं क्या, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। कुछ हमारे शुभचिंतक पत्रकार भाई हैं, कुछ ट्विटर पर लिख देते हैं, उसी को सुर्खियों में लिख देते हैं, वही ब्रेकिंग बना देते हैं, फिर उसी पर चलने लगता है, लेकिन हकीकत क्या होता है, फिर सब लोग एक साथ टेबल पर बैठ करके जब वीडियो सामने आ जाती है तो लोग नैरेटिव तैयार करते हैं, झूठ विरोधी माहौल बनाते हैं, फिर उनके माहौल में हवा निकल जाती है। तो पूरे देश में उसकी जो योजनाएं हैं, जो एनडीए के जो योजनाएं हैं और योगी की योजनाएं आज तो सभी बैठ रहे हैं, दिल्ली में एक साथ बैठक करके आगामी जो भी रणनीति वो भी आपके सामने आ जाएगा। इस बात का है विरोधी कि हमें सत्ता क्यों नहीं मिल रही है, सत्ता पाने के लिए इस तरीके से ये झूठ परोस रहे हैं समाज के बीच, जनता के बीच में, कि वो झूठ आप बार बार नहीं सुनना चाहती है, आप बार बार झंडा उठाना चाहते हैं, आप एक बार झूठ बोलते जैसे होता है ना कि कान की हाड़ी बार बार नहीं करती है, और ये बार बार चढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में ये उत्तर प्रदेश 2012 वाला नहीं है, ये 2017 के काल से बहुत बदल गया है। 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश का चेहरा अलग दिख रहा है और उस चेहरे को बराबर गंदा करने के लिए विरोधी बराबर साजिश रचते रहते हैं। और लेकिन देखिए अरुण जी, अगर सीएम कोई मीटिंग बुला रहे हैं उसमें डिप्टी सीएम ना जाएं तो इस पे सवाल तो उठेंगे। उसके बाद अभी जैसे विवेक जी बता रहे थे हमारे सहयोगी की, जो भी पोस्ट आता है उसमें प्रधानमंत्री को टैग किया जाता है, साथ ही साथ बीजेपी के अध्यक्ष को ट्वीट किया जाता है, लेकिन सीएम को टैग नहीं किया जाता है, सीएमओ को टैग नहीं किया जाता है।
देखिए ये तो पूरी तरीके से जानकारी उत्तर प्रदेश में सरकार में जो भी लोग हैं सबको प्रोटोकॉल जारी होता है कौन कहाँ जा रहा है कौन क्या कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में बैठे हुए सारे सचिव प्रमुख सचिव विशेष सचिव सबको जानकारी होती है कौन नेता कहाँ जा रहा है। सवाल इस बात का नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, मसला इस बात का है कि पूरे ठीक है पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह गरीब कमजोर अब देखिए क्या बात कर रहे हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक ये भाई भेदभाव आप क्यों पैदा कर रहे हो। पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक वर्ग आप न्याय देने के लिए सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं और आप कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर कुछ हो ही नहीं। अगर कुछ नहीं रहा है आप किसी पर धरना देते नजर नहीं आ रहे हो। ठीक है अरुण जी आते हैं फिर से आपके पास, निरंजन जी तब तक आपके पास आ रहे हैं। अरुण जी ने अभी एक वर्ड यूज किया कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या वाकई में सिर्फ नैरेटिव सेट किया जा रहा है बीजेपी योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के, या वाकई में अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं? मैं बात करूंगा, पहला बिंदु जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो सफलता होती है उसके कई स्वामी होते हैं लेकिन जो विफलता होती है विफलता कहीं ना कहीं चिंगम की तरह होती है, वो उसको चिपकाने की कोशिश करता है वो उसके चिपकाने की होती है और ये एक मानव स्वभाव है। इसको कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी वो पार्टी इस पार्टी के ऊपर ना जाए पहली बात। दूसरी बात, दूसरा बिंदु मेरा ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक संस्कृति है, देखिए आज निश्चित रूप से तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लोग भी कयास लगाते हैं ऐसा हो जाएगा भारतीय पार्टी की टूट हो जाएगी, 100 विधायक संपर्क में आ गए 50 विधायक संपर्क में आ गए, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी और वो क्या कहा वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसकी जैसी राजनीतिक संस्कृति में प्रवृत्ति होती है कहीं ना कहीं उसको दूसरे की मानसिकता भी वैसी ही नजर आती है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसी रंगत वैसी जैसी संगत वैसी जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। तो कहने का तात्पर्य जो जिस राजनीतिक संस्कृति में पला बड़ा है उसको वैसा ही दृष्टिकोण रहता है। तो बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, अभी है जी एक ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी पिताजी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो व्यक्ति सर्वोच्च पद पे होता है जो बनना चाहती है और ये चीज मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सर्वे का सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी जो आत्म मूल्यांकन का सिस्टम है उसका कोई हानि नहीं है, ये आप भी मान लीजिए। अब रही बात यहाँ पे जिस तरीके से समझ लीजिए घात प्रति घात किया जिसको कहते हैं पक्ष विपक्ष किया जो भी बातें जो चल रही है जो राजनीति की बात की बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज तक का इतिहास है। किसी भी व्यक्ति ने अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह किया रहता है वो कितना ही बड़ा नेता होता है, उमा भारती हो कल्याण सिंह हो येदुरप्पा हो या और तमाम बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम गिना सकता हूँ, मदनलाल खुराना हो जो अपने आप को मदनलाल खुराना जी कहते थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अगर गिनती शुरू होती है तो मदनलाल जी से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह जी से बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं था, उमा भारती के उमा भारती जी से बड़ा कोई मध्य प्रदेश के अंदर नेता भी हुआ करता था जिन्होंने आप ये समझ लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह की सरकार को पलट करके वहां से भारतीय जनता पार्टी को स्थापित कर दिया था। लेकिन जब तक वो जड़ों से जुड़े हुए थे वो प्रफुल्लित थे वो हरे भरे थे लेकिन जैसे ही वो जड़ों से टूटे यानी कि वो डाल अलग हुई आपने देखा होगा कि वो डाल सूख गई। ठीक है निश्चित रूप से उस पेड़ को भी नुकसान होता है, जिस पेड़ से डाल टूटती है उसको भी एक बार के लिए नुकसान होता है। कर्नाटक के अंदर येदुरप्पा जी नाराज होकर के बाहर चले गए थे लेकिन देखिए निरंजन जी बीजेपी टैग देती है ना पार्टी विथ डिफरेंस पार्टी विथ डिसिप्लिन, तो सवाल उस चीज को लेकर के होता है पेड़ से टूट करके अगर कोई टहनी अलग होती है तो वो टहनी कितने दिन रहती है सर्वाइव करती है वो एक अलग विषय है, लेकिन सवाल वही है कि डिसिप्लिन वो तो कहीं ना कहीं दिखता है कि हाँ डिसिप्लिन खो रहा है। इस पे जवाब आपसे लूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद लौटता हूं तो इसका जवाब आपसे लेता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निरंजन जी देखिए सवाल यही था कि पेड़ से टूट करके टहनी कितने दिन सर्वाइव करती है ये अलग विषय है, लेकिन सवाल इस चीज को लेकर के होता है कि जिस डिसिप्लिन की बात होती है वो डिसिप्लिन कहां और वो भी जब आप बड़े पद पे हैं। अभिषेक जी देखिए
आप मेरे हिसाब से अपनी बात में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कह रहा हूं कि ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण यानी कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप ये बताइए कि आज अगर इनके मन में कोई असंतुष्टि है, इनके मन में कहीं कोई मतभेद है, तो आपको कहीं कोई ट्वीट दिखा, कोई बयान दिखा, कोई और दिखा, कहीं कोई लड़ाई दिखी? जबकि दूसरे राजनीतिक दलों के अंदर अगर आप बात करें राजस्थान की, तो वहां तो नकारा निकम्मा पता नहीं क्या क्या सीएम और डिप्टी सीएम एक दूसरे को कहते हैं, वहां तो एक दूसरे को वोट रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अखिलेश जी ने तो ये जो छीना झपटी और जिसको कहते हैं मारा मारी, ये सब देखी है, और वो भी सरेआम मंचों से। तो कहने का तात्पर्य है, आज जिस तरीके से अगर मान लीजिए कोई असंतुष्टि है और उसके लिए अगर कोई बंदा आंतरिक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख रहा है, तो इससे बड़ा जिसको कहते हैं अनुशासन का प्रमाण क्या है? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देखिए कुछ यूट्यूबर पत्रकार ऐसे हैं जो जिनकी दाल ऐसे जिसको कहते हैं चमकीले यूट्यूब वीडियो बनाने के से उनकी दाल रोटी चलती है, वो कहते हैं अब शिवराज सिंह चौहान कर देंगे विद्रोह मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसे कर देंगे अब वसुंधरा राजे बीजेपी तो को लगा। निरंजन जी, वो सब तो एक लाइक और व्यूज पाने का तरीका है, उसको उसको ना ही चर्चा में लाए तो ज्यादा बेहतर होगा। 15 साल से स्थापित एक मुख्यमंत्री को उठा करके केंद्र में मंत्री बना दिया जाता है और वो सरकार के साथ कदम ताल करता हुआ दिख रहा, कहीं आपको कोई असंतुष्टि दिखी? राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया से बड़ा कद का कोई नेता था, लेकिन तीसरी पंक्ति से ला करके मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है, मनों में असंतुष्टि होती है। तो अनुशासन का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको जो कहा जाए उसको आप उसके ऊपर आप देखिए, मन की भावना तो होती है, लेकिन अनुशासन क्या होता है? एक होता है कि परिवार के अंदर बैठ करके अपनी नाराजगी जाहिर करना, और दूसरा होता है कि चौराहे के ऊपर एक दूसरे के साथ जूत बजाना। तो कहने का तात्पर्य इससे बड़ा और क्या प्रमाण? आता हूं फिर से। वैभव कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। वैभव जी, बहुत स्वागत आपका। वैभव जी, देखिए अब बीजेपी के अंदर यूपी में खींचतान चल रही है या नहीं चल रही है? बीजेपी कह रही है कि अगर चल भी रही है तो हम अपने अंदर परेशानी को दूर कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को इसमें मौका दिख रहा है? जी, मौका हमें नहीं दिख रहा, मौका तो केशव प्रसाद मौर्य को दिख रहा है। मामला ये नहीं है, आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि नहीं कुछ मिलेगा नहीं। आलोक वत्स जी, जिस दिन तख्ता पलट हो जाएगा उस दिन आप इस बात पे कायम रह पाएंगे? और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, निरंजन भाई बहुत बेबाक राय रखते हैं, लेकिन सरकार के बचाव के अलावा इनके पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ निरंजन भाई, क्या यहाँ उठापटक चल रही है कि नहीं? एक तरफ जहाँ कैबिनेट में दोनों डिप्टी सीएम कितनी मीटिंगें हो रही है, कोई जा ही नहीं रहा है, क्या कारण है? उठापटक नहीं है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो सभी विधायक सांसदों से मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे कुछ कह रहे थे कि नहीं सबको पता होता है, तो वो तो अपनी बात में ही घिर गए कि सबको पता होता है और कैबिनेट के मीटिंग में ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंचते हैं, मतलब वो केशव गुट के साथ गोलबंदी करने में खड़े हैं। तो मुझे ये लग रहा है, मैंने ये आज करीब 20 दिन पहले एक टेलीविजन चैनल पे बोला था, जब एक गाजियाबाद के विधायक ने आरोप लगाया था कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है, तो मैंने उसी दिन ये बात कही थी कि ये केंद्रीय नेतृत्व के सह पे, भाई साहब प्लीज, मैं चूंकि देर से जुड़ा हूँ तो इतनी तो मर्यादा रखिए, तो मैंने उसी समय कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के सह पे ये उलटफेर की साजिश चल रही है जिसमें विधायक नंदलाल गुज्जर जी शामिल है। वो बात आज सही साबित होती दिख रही है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में तख्ता पलट गुजरात के तर्ज पे होगा, क्योंकि ये जो गुजरातियों की टिकड़ी है ना, ये ऐसे ही करते हैं। और बड़े बड़े अभी निरंजन पोद्दार जी जो बात कह रहे थे कि येदुरप्पा, कल्याण सिंह, खुराना, आप ये भी निरंजन जी लगे हाथ बता देते कि इन लोगों को जब हटाया गया, ये लोग ये दरख्त जब टूटे, उसके बाद कितने साल तक सत्ता में नहीं आ पाई भाजपा, तो मतलब आप ये भी कहना चाहते हैं, तो जो बात हम कह रहे हैं कि 27 में तो सरकार बदलेगी ही, ये तो भी संभव है। वैभव जी, आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं गुजरात का, अगर वैसा भी होता है तो गुजरात तो बीजेपी फिर रिपीट करके आई, तो यूपी में फिर रिपीट? मान लिया। मैंने देखिए, हर प्रदेश की अपनी अलग तासीर होती है। मुझे ये लगता है
कि अगर गुजरात की तरह तख्ता पलट करेंगे तो बीजेपी यहाँ कई फाड़ में टूटेगी। अच्छा, पहले आप इस बात को समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि इन लोगों के खींचतान में और मलाई के बंटवारे में जनता सफर कर रही है। चंचल भाई ने ठीक गिनाया, पूर्व मंत्री हैं, उस टाइम वो मंत्री भी थे डॉक्टर बनारस में, उनके जस्ट बगल में उनकी गली में पूरे घर में सफाई लग गई, चोरों ने झाड़ू लगा के सारा सामान उड़ा लिया, यही तो हो रहा है। ठीक है, एक तरफ बलात्कार पे बलात्कार, आलोक जी जनता सफर कर रही है आप लोगों के खींचतान में, अयोग्य घोषित हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, ठीक है वैभव जी, बनारस में जहाँ एक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इसका जवाब ले रहे गुंडे चौराहे पे पुलिस को पीट रहे हैं, इन्होंने हमारे लोगों से अरुण जी आ रहे में लगे, अरुण जी बहुत लबर लबर बतिया रहे, थोड़ा इनको भी सुनने की क्षमता रखने दीजिए, कम से कम सुने। आलोक जी आप लोगों के खींचतान में जनता सफर कर रही है, काम हो रहा है जो नहीं, जनता का रुका हुआ है, ये कहां की अरे ये तो आपके विधायक सांसद भी कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा जनता का, हम जा रहे हैं जनता के काम के लिए, अफसर सुन नहीं रहे हैं, तो पहले या तो आप चुने वैभव जी कम से कम अपनी बात पे तो रहे, आपने कहा कि कोई बीच में नहीं बोले तो आप भी प्लीज, आप खुद ही उस मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं कि आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। बोलिए बालक जी, देखिए सारे काम यथावत हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री अनेक कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं, आप लगातार आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन पर, प्रिंट मीडिया में भी, तो ऐसी बात नहीं है। उसके बाद अलग से वो मिल रहे हैं सांसद और एमएलए से, जिनकी कुछ अफसरशाही जिन पर हावी है उसको दूर करने की कवायद कर रहे हैं, और ठीक कहा निरंजन भाई ने कि हमारे यहाँ से जो छोड़कर जाता है वो फिर लौट के वही आता है, नहीं तो वो बर्बाद हो जाता है। नाम गिनाने की मुझे जरूरत नहीं है, सब बड़े बड़े कद्दावर लोग थे, लेकिन क्या हक हुआ ये आपको छुपा हुआ नहीं है, और आप लोग उसके बाद पार्टी का बैठे हुए हैं, विपक्ष के लोग तो बैठे हुए हैं कि अंगूर टपके मुंह में लार लगा हुआ है कि ये अंगूर मैं खा के तंदुरुस्त हो जाऊंगा, तो ये अंगूर खट्टे साबित होंगे, अंगूर मिलने वाला नहीं है। ठीक है अरुण जी, जल्दी जल्दी से रिप्लाई कीजिए, उसके बाद फिर चंचल जी और फिर निरंजन जी आते हैं। ठीक है अरुण जी, ये वैभव भाई हमारे चाचा है, चश्मा लगा के है, ठीक है आलोक जी, आपकी अपनी पार्टी है राज परिवार की, और जो आपकी पार्टी है जातिवाद की समाजवादी की, पहले उसको करने की कवायद कीजिए। ठीक है आलोक जी, आगे की बात कीजिएगा। ठीक है अपने अरुण जी दीजिए, अरुण जी ठीक है, अभिषेक जी हमारे भैया त्रिपाठी जी बहुत बड़ी जनता देश की, ठीक है आलोक जी वो खुश है, वो आगे चल रही है। ठीक है अरुण जी, हाँ देखिए अभिषेक जी, अभी वैभव त्रिपाठी जी बड़ी 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 बातें कर रहे थे कि आपस में खींचतान हो रहा है, वो उनसे नाराज है तो वो उनसे नाराज है। अरे भैया कुछ जाना का कितना बोला करिए, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आजमगढ़ में कार्यक्रम था, सेम उसी दिन लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों की मीटिंग थी, पूरे उत्तर प्रदेश के डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर लोगों की मीटिंग थी, और यह बात की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी गई थी, और उन्होंने कहा कि नहीं आप आजमगढ़ में मत आइए, आप अपने जो विभाग बैठक बुलाए हैं उसकी समीक्षा कर लीजिए। अब हमने तो माननीय मुख्यमंत्री को सूचना दे दिया और मुख्यमंत्री जी ने हामी भर दिया और उन्होंने कह दिया कि आप अपना कार्यक्रम देखिए, यहाँ आजमगढ़ आने की जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इसकी चिंता ज्यादा दिखने लगी कि ये बैठक में क्यों नहीं है, और समाचार चैनल चलाने वाले जिम्मेदार पत्रकार महोदय लोग उसको ये कह दिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग में नहीं गए, केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर लिए, लगता है कि अब उस खेमा में नहीं जाएंगे, अब इस खेमा में रहेंगे। ये खेमाबाजी कौन करता है पता है, ये समाजवादी पार्टी करती है, ये खेमाबाजी कौन करता है, वैभव जी वैभव जी आ रहा हूं, वैभव जी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जीर हरण किया गया था, समाजवादी पार्टी के नेता जो अपने पुत्र अपने पुत्र को सरेआम मंचों से बदनाम करके भेजा था, सरेआम उसको मंचों से गालियां दी गई थी, भगाया गया था, धक्का मारा गया था, क्या इस चीज को लोग नहीं जानते, ये चीज होता है। ठीक है वैभव जी, वेट चंचल जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ। अरे उन्होंने धरती पुत्र के बारे में कमेंट किया है तो धरती पुत्र अभिषेक जी, मैं
वैभव जी प्लीज अब उनको भी लेकर देख लेंगे, कहेंगे अरे ठीक है अरुण जी अब वेट चंचल जी आप लोग बस अंगूर टपकने का वेट कर रहे हैं। देखिए ये वो लोग हैं जो संधे नेताजी के बारे में बोलने की हैसियत भी रखते लेकिन बोल रहे हैं उनके बारे में, इनको समझ भी नहीं है। ये वही लोग हैं जो वाराणसी के अंदर बीजेपी के लोगों ने इनको मतलब नंगा कर दिया था और समाजवादी लोगों ने मान सम्मान बचाने का काम किया। अदली राजभर भी इनके बड़े भाई अरविंद राजभर जी को जब ये अपना नामांकन भी दाखिल नहीं कर पा रहे थे, नामांकन दाखिल के समय बीजेपी के लोगों ने बेइज्जत किया। और आपको याद होगा 2022 के चुनाव के बाद, सुन लो भाई मैं तुम्हारी हैसियत पता है मुझे, सुन लो, तुम लोगों के बड़ बोलेपन के चक्कर में ही तुम्हारा ये हक है कि दोनों भाई सपना देखकर विधायक बनने बिना सच्चाई के बिना तर्क के सुन लो जो वाराणसी के अंदर ये नामांकन दाखिल करने जा रहे हुआ था वही है जो मुख्यमंत्री जी का नामांकन हुआ था। आदरणीय मुखाव नामांकन करिए, इनको पहले शांत कराइए। अरुण जी रिप्लाई कर लीजिएगा, सुन लीजिए, पहले शांत कराइए इनको, इनसे पूछिए कि इतना नंबर का है इसको, रिप्लाई बातें कर शांत कराइए इसको, अरे क्या कर रहा है, इसकी पढ़ाई की बात है, अरे भूल गए अरुण जी, एक सेकंड रिप्लाई कर लीजिएगा प्लीज, आप बात करें 2017 की, और सुनिए अभिषेक जी अरुण जी प्लीज रिप्लाई कर लीजिएगा, अरुण जी रिप्लाई कर लीजिएगा, शांत कराइए, मैं याद दिलाता हूँ, सुनिए, ये वही बड़बोलेपन लोग हैं। इनके पिता आदरणीय राजभर जी क्या बोला करते थे, मैं मुख्यमंत्री को वहां भेज दूंगा जहाँ कटोरी जाती है। अरे अपनी बात करो, कहना अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी अरुण जी उठक बैठक कराया बीजेपी, अरुण जी प्लीज उठक बैठक कराया, ये कुछ सुन लो अगर ये बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, सुनिए अगर आप बोलने पे आ जाओ बोल नहीं पाओगे, सुन लो पहले मेरी बात, अभिषेक भाई मेरी बात सुन लीजिए, मैं मेरी बात पूरी आ जाने दो, अरुण जी रिप्लाई कर लीजिएगा प्लीज, ऐसे में फिर बात रह जाएगी, प्लीज प्लीज अरुण जी ऐसे नहीं प्लीज, धमकाने वाली प्रवृत्ति अभी उत्तर प्रदेश धमकाने प्रवृत्ति नहीं है, मेरी बात आ जाए भाई पूरी, चंचल जी अब देखिए सवाल ये है कि अगर अरुण जी चंचल जी अगर हम किसी अरुण जी जमीन पे नतमस्तक दंडवत प्रदान ठीक है चंचल जी और अरुण जी, अब आप दोनों शांत हो जाइए, अब दोनों शांत प्लीज प्लीज प्लीज, अरुण जी और चंचल जी आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज, अब बंद कर सकते हैं इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है अब दोनों शांत हो जाइए, अरुण जी अब बोलेंगे तो अरुण जी और चंचल जी अब वेट, चंचल जी अरुण जी अब वेट, अब आपके पास निरंजन जी आ रहे हैं, अब देखिए आपने कहा कि पेड़ से टूट करके टहनी नहीं टिक पाई, वापस आना पड़ा, लेकिन एक बात इसमें जो वैभव जी ने कहा कि इससे नुकसान तो पार्टी को भी हुआ और लंबे समय तक के लिए नुकसान हुआ। निश्चित रूप से अभिषेक जी इससे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब शरीर का एक अंग टूटता है अगर पेट के अंदर वह भी टूटता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कमजोर होता है, तो यही चीजें लेकिन जिस तरीके से ये अभी वैभव जी कह रहे थे कि देखिए ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी में उठापटक ढोलता भी, देखिए हमने उठापटक तो हमने राजनीति में बहुत, तो मैं तो सन 1990 से राजनीति को कवर कर रहा हूँ अभिषेक जी और बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, और आपको मैं बताऊं उठापटक तो अभी आज की तारीख में अगर कर्नाटक में देखेंगे तो सिद्धारमैय जी और डी के और शिव कुमार जी के बीच में चल रही है, हिमाचल में देखेंगे तो विक्रमादित्य जी के और सुखो जी के बीच में चल रही है, लेकिन जो पटक और पटक और खाली पटक पटक है वो तो पंजाब में हमने देखी सिद्धू जी और कैप्टन साहब के बीच में, भाई वो दुर्गति कहां है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात जो पार्टी टूटी आज शरद पवार जी किसकी शाखा है वो पूरी तरह प्रफुल्लित है महाराष्ट्र के अंदर, आज ममता बनर्जी किसकी शाखा है और बंगाल में पूरी तरह प्रफुल्लित है वो कांग्रेस की शाखा है ना,
और अगर आप तेलंगाना में आंध्र में जाए तो जगनमोहन रेड्डी किसकी शाखा है, कांग्रेस की शाखा। तो कहने का तात्पर्य राजनीतिक संस्कृति का फर्क है। एक तरफ कांग्रेस जहां जहां से टूट हुई वहां वहां प्रफुल्लित हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से टूट हुई वो कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि निश्चित रूप से मैंने आपको क्या कहा, शरीर में अगर उंगली का एक तोरवा भी टूटता है, नाखून भी टूटता है तो खून बहता है, आदमी कमजोर अपने आप को महसूस करता है। लेकिन वो एक समय होता है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको ये चीज भी देखनी चाहिए कि अगर आज विचार है तो वो एक कहा गया है ना शेख जी कि सारी उत्तरता देख मेरे मेरे किनारे पे घर मत बना देना, समुद्र हूं बोल के फिर आऊंगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आप जब से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है सन 1900 के बाद से 1980 के बाद से आप देखेंगे कि 242 से 182 से फिर 138 उसके बाद में फिर 283 उसके बाद भी 303। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चीजें हैं राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव, और अगर हम बात करें तो आप ये देखिए अगर समाजवादी पार्टी की बात करें अभिषेक जी, तो 2012 का चुनाव नेताजी के नेतृत्व के अंदर चुनाव जीतने के बाद में उसके बाद में 17 से कितने चुनाव आ रहे हैं। हाँ निश्चित रूप से इस बार उनको सफलता मिली है और बहुत अच्छी सफलता मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की, प्रशंसनीय है। लेकिन वास्तविकता यह है कि राजनीति केवल संभावनाओं का खेल है, राजनीति केवल समझाने और भरमाने का खेल है। यहाँ क्या सपा कोई संभावना, सपा कांग्रेस मिलकर कोई संभावना उत्तर प्रदेश में तलाश रही है? वैभव जी आप लोग कोई संभावना तलाश रहे हैं क्या? निरंजन भाई फिर मूल सवाल को टाल गए, क्या यहाँ उठा पटक है उसका जवाब नहीं देंगे। वो कर्नाटक में चले जाएंगे, वो पवार साहब के पास चले जाएंगे, लेकिन मूल सवाल को का जवाब जब ये नहीं दे रहे हैं, जबकि ये वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, मैं कोई बात नहीं, वो उनका प्रेरोगेटिव है वो क्या बोलते हैं, लेकिन मैं अरुण को कहूंगा, अरुण आप अभी युवा हैं, आप अपने पिताजी से सीखिए, वो बहुत बेबाक राय रखते हैं। और जो लवर लवर टाइप का ये शब्द बोल रहे हैं ना, ये लंबी राजनीति के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा इसको देखिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी एक बात कह के इस सरकार से अलग हुए थे कि जहाँ 500 थाने में काम 500 रुपए पे होता था, 5000 में होने लगा है, क्या वो 5000 से अब 10000 नहीं हुआ है? तो सत्ता के लिए जब आप गठबंधन करते हैं, आपको सपा ने, समाजवादी पार्टी ने संजीवनी दी, जिसके बाद आप पुनः आप वो वहां जाके बैठे हैं जहां लूट है, जहां भाजपा के मंत्री कहते हैं कि आजीवन इतना जीवन हो गया मेरा लंबा 50 साल का राजनीतिक जीवन, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था। वैभव जी आपने तो कहा कि रंजन जी सवाल टाल गए, सवाल तो मेरा आप भी टाल गए, मेरा सवाल तो आप भी टाल गए। बोलिए बोलिए आप सवाल बोलिए, मैं उसका संभावनाएं आप लोग अपने लिए भी तलाश रहे हैं क्या? नहीं देखिए, जनता संभावनाएं तलाश रही है, जनता कह रही है कि आज अगर चुनाव हो रहा है तो मोदी अभी ओम प्रकाश जी से कुछ सीखिए, आप बड़े नेता नहीं बन जाएंगे, इतनी मर्यादा रखिए। मैंने आपके बीच में बोला अरुण, मैंने आपके बीच में बोला मैंने आपके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आप भविष्य में। अच्छा नहीं, ये अखिलेश जी ने जो मानसून ऑफर दिया था, अखिलेश जी ने जो मानसून ऑफर दिया था, वो मानसून ऑफर में कांग्रेस भी है क्या? भाई अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अखिलेश जी जो ऑफर देते हैं वो अपनी पार्टी के बेस पे देते हैं, और कांग्रेस उसमें होगी, अगर कोई निर्णय होगा तो हमारा नेतृत्व डिसाइड करेगा। तो मैं उस पर इस तरीके से कमेंट नहीं करने के लिए योग्य व्यक्ति हूं। चंचल जी, चंचल जी बिना मतलब सहयोगी से, जनता बिना सहयोगी से बातचीत की है, ये मानसून ऑफर दे दिए थे क्या? सरकार को बदलने के लिए तैयार है, अगर आज मध्यावधि चुनाव होगा, नहीं मध्यावधि चुनाव हो या ना हो उससे पहले तो कुछ मानसून ऑफर कुछ और था, चंचल जी का मानसून ऑफर कुछ और था। भाई सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये कि जो लोग कुर्सी के चक्कर में अपने सिद्धांतों, अपने नैतिकता समझौता करने का काम करते हैं, आपने देखा होगा जिस तरीके से आदरणीय स्थूल मंत्री जी को
कुर्सी पाने की ललक थी, तो इनकी ललक को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको स्टूल से ऊपर अपग्रेड होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कम से कम पिछड़ों दलितों संख्यों की आप आवाज उठा सको, तो आप चलो आपको मैं कुर्सी देता हूं। लेकिन आपने देखा होगा बीजे हमारे साथी बैठे हैं अरुण राजभर जी, मुझे बोलने नहीं दिए लास्ट टाइम, चिल्लाने लगे बीच में, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, आपने घोसी के चुनाव के अंदर देखा होगा एक अदना प्रत्याशी जो लड़ गया था चुनाव, मूल निवासी समाज पार्टी का, राजभर समाज का, 48,000 वोट पा गया वो। चंचल जी गोल गोल कहाँ घुमा रहे हैं, मेरा सवाल सीधा सा था, कहाँ गोल गोल घुमा रहे हैं? समाज के लोग जो है कितना लेबल से नेता मानते हैं, और वहीं पर अरविंद राजभर जी को दंडवत। चंचल जी कहाँ गोल गोल घुमा रहे हैं, मेरा सवाल सीधा सा था, आप लोग क्या लोगों से माफी मांगो? चंचल जी नहीं, अब फिर वही चीज, चंचल जी नहीं, आप गोल गोल घुमा दिए, चंचल जी गोल गोल घुमा दिए, जवाब दिया मैंने, नहीं नहीं दिया जवाब दिया मैंने, क्या बिना कांग्रेस से पूछे वो मानसून ऑफर था? अरे मैंने मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में समाजवाद, सुनिए मैंने पूरा जवाब दे दिया मैंने, दूसरी बात नहीं, चंचल जी आप घुमा गए, मैं आपको स्पष्ट बता दिया, जवाब दे दिया मैंने। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा जिस तरीके से बड़बोलेपन की वजह से ही आदरणीय राजभर जी, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम को छोड़ करके डिप्टी सीएम साहब से मिल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य से मिल रहे हैं, उधर संजय निषाद कुछ और कहते हैं, उधर आपके जयंत चौधरी जी कुछ और कहते हैं, तो ये वो लोग हैं जो सत्ता की मलाई भर रहे हैं। जल्दी से 10 सेकंड में आपके साथ अपने लोगों के साथ, ठीक है चंचल जी, ठीक है अरुण जी जल्दी से 10 सेकंड में, अरुण जी चंचल जी ठीक है अरुण जी, देखिए अब हमें किसी से मिलना जुलना होगा तो हमें पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं को धीरे से कान से जाके बताना होगा, कांग्रेस के नेताओं को कान से जाके बताना होगा। जी आ रहा हूँ, आम है कि मुख्यमंत्री ने कई बार ओम प्रकाश जी यूपी आलोक जी जल्दी से 10 सेकंड में, आला कमान के ऊपर दबाव है कि समस्या कोई परेशानी है तो उसे दूर किया जाए, अरुण जी और चंचल जी प्लीज, आलोक जी आला कमान के ऊपर भी ये दबाव होगा कि अगर कोई परेशानी है तो जल्द से जल्द दूर किया जाए। बिल्कुल आला कमान के संज्ञान में है, आला कमान उस पर पूरी हिदायत कर रहा है और आने वाले भविष्य में कहीं कुछ नहीं होगा, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और आने वाले विधानसभा, निरंजन जी अगर कोई परेशानी है तो जल्द से जल्द दूर करना होगा बीजेपी को, माफी चाहता हूँ सभी साथियों से, नमस्कार। बस 10 सेकंड निरंजन जी, 10 सेकंड क्लोज ही कर रहा हूँ, 10 सेकंड जी जी, निरंजन जी अगर कोई परेशानी है तो दूर करना होगा जल्द से जल्द। देखिए अभी से निश्चित रूप से मैं इस बात का जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बताऊँ, निरंजन जी समय नहीं है, समय नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है, 10 सेकंड में जल्दी से क्लोजिंग, समय नहीं है, मैं बता रहा हूँ 2024 के चुनाव में अखिलेश जी एक अखिलेश यादव जी की परिपक्वता दिखा दी, वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा अखिलेश जी और कपिल सिब्बल का जो एक विजन पॉडकास्ट हुआ है यूट्यूब के ऊपर, उसको सुनिए, और उन्होंने इतनी शानदार बात कही है कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव लड़ी वहां वहां तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी, लेकिन जहां जहां कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी, मेरा सवाल निरंजन जी समय नहीं है कि बीजेपी को समस्या का समाधान करना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।